यानी तू पकड़ा गया। सारी बातें मेरे सामने आ गई। तुमने मुझसे बदला लेने की कोशिश की और उसमें मुझे सब जानता हूँ। अच्छा नहीं होगा। कौन क्या है और किसने क्या किया है? सर आ गया ही। कौन छुपा हुआ था और किसने छुपाया था? ज्ञानी मैं सोच भी नहीं सकता था। सब लोगों से मैं तुम्हें अफजल समझता था। इधर आ जाओ। सब लोगों में तुम मेरे नजदीक बहुत अच्छे थे और इस मोबाइल में तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी सारी बातें खुले खुले देखना पोशीदा है। सब दिखाऊंगा तुमको। मैंने लोगों के ना चाहने के बावजूद भी तुमको अपनी सीट दी। तुमने करप्शन किया। करप्शन यूं किया कि मैं नीचा हो जाऊं जमाने भर में। तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और मैं चुप रहा। मैं जब लोगों के कहने पर और तुम्हारी करप्शन पर मैं परेशान हो गया तो मैंने तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं किया, ना तुम्हें कुछ बातें सुनाई। इज्जत एहतराम के साथ मैंने जब लोगों की बातें सामने आई तो तुमको सीट से उतारा। मैंने नहीं उतारा, लोगों ने उतारा, लेकिन तुमने बदला मुझसे लिया। क्या सोचकर? जरा भी एहसास नहीं किया तुमने कि मैं अपने मुल्क की खातिर दुश्मनों को भी गले लगाता हूं? तुम्हारी सारी बातें मुझे पता थी, फिर भी मैंने तुम्हें सबसे आगे रखा। और यहां मैं तुम्हें हटाता नहीं अगर तुम करप्शन नहीं करते तो, इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते तो। लेकिन लोगों के बेहद इसरार पर मैंने इलेक्शन करवाया। यहां भी मेरा हाथ नहीं था कि तुम्हें मैं हटाया। लोगों के इलेक्शन में तुम हार गए और तुम्हें हटा दिया गया। लेकिन तुमने मुझसे बदला लेने के लिए जिस लड़की को मुंतखब करके सीट पर चेयरमैन बनाया, उसको तुमने किडनैप करके उसको इस हाल पर पहुंचा दिया कि बदनाम कर दिया और यह मशहूर कर दिया कि करप्शन करके भाग गई। कमाल है यार, कम से कम मुझसे तो ऐसी बातें नहीं करते। मैं तो तुम पर अंधा एतमाद करता हूं। मैं किस पर एतमाद करूं अब? कौन एतमाद के काबिल है मेरे? तुम पर एतमाद क्या? तुमने ये चोट पहुंचाई, इस पर एतमाद कैसे? ये चोट पहुंचाई छुप गई, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि तुमने ये किया। ये सारी वीडियो मेरे पास मौजूद है। तुमने बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनाकर मुझे भेजी है। पकड़ो, मैंने तुम्हारे पैसे अब तुम इसको बत्ती बनाओ और चढ़ाओ और यहां से निकल जाओ। जाओ, तुम्हें तुम्हारी खुराक मिल गई, तुम्हें तुम्हारी बत्ती मिल गई। तुम जैसे पैसे ले लिए ना, अपने वीडियो बना दिया करो। चले जाओ। और ज्ञानी, अब तुम वीडियो किसकी बना रहे हो? सारी वीडियो तो तुम्हारी मेरे पास मौजूद है। तुमने कितनी वीडियो बनाई मेरे लिए, सोच नहीं सकता कि तुम भी मुझे ठेस पहुंचाओगे, तुम भी मुझे नुकसान पहुंचाओगे। तुम बताओ कि मैं तुम पर एतमाद क्यों करता हूं? क्यों किया मैंने? कहां तुम्हें इज्जत नहीं दी और तुमने मुझे बेइज्जत करने की पूरी पूरी कोशिश की? इसको तुमने छुपाया या छुपने पर मजबूर कर दिया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अमर साहब, आपकी क्या बात है? क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताओ हमें भी, क्या बात हो गई? बड़ी तारीफ कर रहे हो आज मेरी, मैं भी तो सुनूं। बताओ क्या हुआ? बात ये है कि जो प्लानिंग आप कर रहे हो, प्लानिंग का तो मैं बादशाह हूं और इस सब प्लानिंग होती है मेरे मुल्क के लिए, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए
जो छुपे बैठे होते हैं करप्शन करके, जब मेरे ही साथ बैठकर मेरी यानी आसिन के साथ बने होते हैं, उन सबको बाहर निकालने की प्लानिंग करता हूं। मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे मैं सोच भी नहीं सकता। सबको जानता हूं मैं, कौन कितने पानी में, सबको मौके देता हूं मैं, सबको जानते बूझते मौके देता हूं। और वो इतने अनजान है कि वो मेरी बातों में आ जाते हैं, और मैं जब उनको सीटें अपनी दे देता हूँ, बनके उसमें भी करप्शन करते हैं। जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि इन्होंने मुझे सीट दी है। सपना को जो आपने पकड़ा, हाँ सबको पकड़ा मैंने, और अभी तो और पकड़ूंगा, अभी तो बहुत सारे चेहरे और सामने आएंगे, तुम चौंकोगे। ज्ञानी साहब भी मुलव्वस है? जी ज्ञानी साहब पहले से मुलव्वस थे, उसको मैंने चलो हल्का लिया, और उसको इलेक्शन में जो भी है दूसरा सपना आ गया इलेक्शन में, वो खत्म हो गया। उसके बाद उसने गेम शुरू किया, उसने गेम ऐसा शुरू किया कि उसने सपना को छुपने पर मजबूर कर दिया मेरे खिलाफ, और यह शो कर दिया कि करोड़ों का गबन किया। वैसे जानते हो ना, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, मैं तो सपना क्या हूं मैं, क्या सपना तो जानते हो मुझे, तुम अच्छी तरह से जानते हो। नहीं मैं तो सपने की तारीफ कर रहा था कि सपना अच्छी है, इसलिए मैं उनके सामने लेकर आया, तुम भी जानते हो मुझे अच्छी तरह से। उसको फिर सामने लेकर आया, मैं छुप गया, उसे शो कर दिया कि सपना या तुमसे मजाक करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाइज आदमी हो जो बहुत अच्छे हो, तो मेरी बात को समझते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा था ना तुम, हम ये क्या नहीं है मेरे साथ, मैं ये समझता हूँ कि ये गेम क्या है, ये क्या नहीं है मेरे साथ गेम किया। अच्छा, मैंने उसकी सीट मैंने नहीं हटाई, तो ये क्या नहीं के सारे ये उसने, तो लोगों ने उसकी शिकायत करप्शन की उसने, तो मैं ये समझता हूँ कि सपना की जगह अगर हिना को रखें और हिना हमारा काम करें तो देखो अब तो मैं सोच समझ के कदम उठाऊंगा। ठीक तो है, क्या ख्याल है करें सपना, तुम भी अभी मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हो, मैंने आपके साथ बड़ी अच्छी जोड़ ली, मेरे अंदर की बात निकालना चाहते हो, मेरे अंदर की बात नहीं सब जानता हूं अच्छी तरह से, तुम बातें छोड़कर मेरी अंदर की बात निकालना चाहते हो, छोटी सी बात है, इधर आओ पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, क्या नहीं को दो, क्या नहीं ये है वो शख्स मुझे साथ दिया है, क्या नहीं को तो साथ, आपको पता है कि वो कहां छोड़ते हैं फिर आपको। हाँ जाहिर है कि आनी ने जो कुछ किया तुम सामने है, लेकिन मैं सायद तो मजबूत है, मैं तो आपका वफादार हूँ, और आप तो भी बहुत वफादार हो जानता हूं मैं। क्यारी साहब क्या बात है, मैं ये समझता हूँ कि जो बॉस कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग से कर रहे हैं, जो ये एक एक करके सबको पकड़ रहे हैं, तो इसमें ये सब जो है ना सब फंस जाएंगे, और आपको भी, आपको लाजमी, ये तो हो सकता है। बात ये है कि मैं सबको इज्जत इसलिए देता हूँ कि अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ, लेकिन आप सही कह रहे हो, एक ना एक नहीं ये सारे फ्रॉड खड़ा जाते हैं, और ये नहीं समझते कि सामने कौन है हमारे साथ, और मुझे भी डस पहुंचा देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। यार जो कुछ हासिल करना है मुझसे पूछ लो, मैं दूंगा तुमको, लेकिन फिर मुझे तरस भी आता है कि ये मेरे अपने हैं, इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं, फिर मैं सामने आ जाते हैं तो मैं ये सोचता हूँ चलो छोड़ो खत्म करो, मेरी आदत है यार ये, मैं लोगों को आजमाता हूँ फिर भूल जाता हूँ, लेकिन मेरे अपने लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों को नहीं भूलते, वो ये याद नहीं रखते कि हमारे सामने कौन है, इसने हमारा कितना साथ दिया है, हमेशा हमारी बातों को हमारी गलत बातों को दरगुजर किया है इसने, और हमें फिर भी गले लगाया है, पता नहीं क्यों, क्या है ये मुझ में। मैं ये समझता हूँ जो हमारे हफीज साहब हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को,
तुम जाओ और सपना को लेकर जाओ, जल्दी आओ। शाबाश, चलो लेकर आते हैं। आप भी आए सपना को लेकर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो मेरे फराड़िये। हाँ बोल फराड़िये। मैं तो हूँ ना इसमें, ये फराड़िये। अगर इसने वीडियो मेरी वायरल की है तो वीडियो मेरे पास भी बहुत सारे, मैं भी वायरल कर सकता हूँ वीडियो। ये वीडियो वायरल कर कौन रहा है? ये वो सूखा जो है ना, वो कौन है? वो मुंशी सूखे के पीछे तो कोई काम कर रहा होगा। सारी मुखबरियां वही करता है सर। सूखा तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। हाँ वो कैसे कर सकता है सब कुछ? वैसे थोड़ा मुझे पता है कि कौन है, लेकिन तुम लोग भी तो बताओ ना। जी सर, लिफाफा साफी है वो। बताओ मुझे, तुम्हारे भी तो कुछ छानबीन होती होगी ना, तुम्हें भी तो कुछ मालूमात होती होगी। तुम लोग ऐसे सीधे शरीफ नहीं हो। सर लड़कियां घर पे अच्छी लगती हैं। सीट मेरी थी, साथ पर मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है। मैं जाओ मेरी सीट पर बैठ जाओ, आज फिर बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ सही सीट की बात ही अलग है हिमांश से। हाँ तुम सही कहते हो, सीट की बात ही अलग है। जब भी तुमने देखा होगा बहुत कम बैठता हूँ, अगर मैं बैठ गया तो तुम्हारा इतना करप्शन शुरू कर दूंगा। तो सीट की बात ही अलग है। लेकिन इंसान का मन कोई कुवत कैसे होता है? कुवत इरादा होता है। सर ये बताएं, इस सीट पे बैठा कौन सा ऐसा शख्स है जो करप्शन नहीं करता? करोड़ों की सीट हासिल की है सर, इससे कुछ हासिल वसूल तो करोगे ना सर? सर अब ये गरीबों का खून चूसेगा। अल्लाह का निजाम है ये, कुदरत का काम है ये, लेकिन अल्लाह ताला ने अकल जैसी चीज में तो दिए ना हमें।